हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना सीखेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी हिंदी की मात्रा होती हैं उनको हम पहचानना सीखेंगे। हम जानेंगे हमारी हिंदी की मात्रा कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी मात्रा आती है चोटिया की मात्रा। तो इस प्रकार की हमारी चोटिया की मात्रा होती है। इसके बाद हमारा आता है बड़े वाला। तो इस प्रकार की हमारी मात्रा बड़े आ की मात्रा होती है। और इसके बाद हमारी आती है छोटी की मात्रा। तो इस प्रकार की हमारी छोटी की मात्रा होती है, ये हमारी बड़ी की मात्रा होती है। इसके बाद छोटू उ आता है, तो छोटे उ की मात्रा है इस प्रकार की होती है। इसके बाद बड़ा उ आता है, तो बड़ा उ की मात्रा इस प्रकार की होती है। इसके बाद आता है ए, तो ए की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं। और इसके बाद आता है ऐ, तो ऐ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं। इसके बाद हमारा आता है ओ, तो इस प्रकार की हम ओ की मात्रा लगाते हैं। इसके बाद आता है हमारा औ, तो इस प्रकार की हम औ की मात्रा लगाते हैं। यह हमारी इस प्रकार की औ की मात्रा होती है। इसके बाद आता है हमारा अंक, तो अंक की बिंदी हम इस प्रकार लगाते हैं। और इसके बाद आता है गय, तो हम इस प्रकार गय की मात्रा लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन सभी मात्राओं के शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, इन सभी मात्राओं को लगाना सीखेंगे और हम इन मात्राओं के उच्चारण निकालना सीखेंगे कि कौन सी मात्रा का उच्चारण कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हमारी आती है छोटे आ की मात्रा। तो इस प्रकार की हमारी छोटे आ की मात्रा होती है। तो छोटे आ की मात्रा में हम उच्चारण कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आराम से निकालते हैं। जैसे यहाँ क्या है, च। इसके बाद क्या है, ल। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, च ल। तो यहाँ क्या आएगा, चल। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, एक क्या लिखा है, तो ये क्या है, ज। इसके बाद क्या है, ल। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज ल। तो यहाँ क्या आएगा, जल। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, तो यहाँ क्या है, द। इसके बाद क्या है, न। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, धन। इसके बाद क्या है, यहाँ क्या है, अ और प्लस ब। तो इसको हम क्या पढ़ें, अ ब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ अ ब। यहाँ क्या लिखा है, इसको भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, क। तो क को हम क्या पढ़ेंगे, आराम से बिल्कुल झटका सा लगाना चाहिए, क। इसको हम क्या पढ़ें, म। ये क्या है, ल। तो इससे हमारा क्या शब्द बनेगा, क म ल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ क मल। इसी प्रकार हम इन शब्दों को भी पढ़ेंगे, तो यह क्या है, म। ये क्या है, ट। ये क्या है, र। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, म ट र। तो यहाँ हम लिखेंगे मटर। इसके बाद हम इसको भी पढ़ेंगे, ये क्या है, ट म ट म। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, टम 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 टम। इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, तो इसको भी हम देखेंगे, यहाँ क्या है, स। सिटी वाला स। इसके बाद क्या है, ल ग म। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स ल ग म। तो यहाँ लिखेंगे हम स ल ग म। तो दोस्तों, ये हमारे सभी छोटिया की मात्रा वाले शब्द थे। अब हम बड़िया की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस प्रकार की हमारी बड़िया की मात्रा होती है। तो जब भी हमारी किसी शब्द में बड़िया की मात्रा लगती है, उस शब्द को हम मुंह पार के पढ़ते हैं। जैसे क पर लगी तो का, स पर लगी तो सा, र पर लगी तो रा। इसी प्रकार इनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, हमारा बड़ा वाला आ है, तो इसको मुंह फाड़ के पढ़ेंगे आ। इसके बाद क्या है, म। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ म। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आम। इसी प्रकार हम इस शब्दों को भी पढ़ेंगे, यहाँ क्या है, त। लेकिन इसमें मात्रा किसकी, बढ़िया की मात्रा। तो बढ़िया की मात्रा लगी होती है तब हम कैसे पढ़ते हैं, मुंह फाड़ के पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ें, ता।
इसके बाद क्या है, ल, ल, लेकिन ल पर किसकी मात्रा है, बढ़िया की मात्रा। तो जब भी बढ़िया की मात्रा होती है तो हम मुँह फार के पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ें, ला। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ें, ता ला। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे हम, ताला। इसको भी हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ क्या है, र, लेकिन र पे मात्रा किसकी है, बढ़िया की मात्रा। तो र को हम कैसे पढ़ेंगे, मुंह फार के पढ़ेंगे, रा, इसके बाद क्या है, म, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, राम। तो यहाँ हम लिखेंगे राम। इसके बाद हम इन शब्दों को भी पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या है, ब, न, न पर लेकिन बढ़िया की मात्रा लगी है, तो न को हम पार के पढ़ेंगे, ना, ठीक है, कर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बना कर। तो यहाँ लिखेंगे हम बना कर। इसी प्रकार हम इनको भी पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या है, ब, लेकिन ब पर बढ़िया की मात्रा है, तो ब को हम मुँह फार के पढ़ेंगे, बा। यहाँ क्या है, ज, जब अभी बढ़िया की मात्रा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जा। रप है, मात्रा नहीं है, तो इसको बिल्कुल हम आराम से पढ़ेंगे, रा। तो इसको हम क्या पढ़ें, बाजार। तो यहाँ लिखेंगे हम बाजार। तो चलिए दोस्तों, अब हम छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली मात्रा के शब्दों को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे सप लगी तो स को क्या पढ़ेंगे हम, से। कप लगी तो के, इसमें झटका सा लगना चाहिए और जीभ को दबा के पढ़ते हैं, जैसे दप लगी तो दे और नप लगी तो ने। इसी प्रकार यहाँ कप है, कप है किसकी मात्रा लगी, छोटी की मात्रा लगी है, तो क को हम क्या पढ़ें, के। यहाँ क्या है, र, न, तो इसको हम क्या पढ़ें, किरण। तो यहाँ हम लिखेंगे किरण। इस शब्दों को भी देखेंगे क्या लिखा है, तो यहाँ क्या है, का, क्या पर किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें, कि। इसके बाद क्या है, ता, लेकिन ता पर बढ़िया की मात्रा है, तो हम फार के पढ़ेंगे, ता। यहाँ क्या है, ब, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कि, ता, ब, तो यहाँ लिखेंगे हम किताब। इसके बाद हम इसको भी देखेंगे, तो यहाँ क्या है, ग, लेकिन ग पर किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, गे। इसके बाद क्या है, ल, लेकिन ल पर बढ़िया की मात्रा है, तो ल को हम मुँह फार के पढ़ेंगे, ला। इसके बाद क्या है, स, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, गे, ला, स, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गिलास। इसको भी हम देखेंगे, यहाँ क्या है, द, लेकिन द पे किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें, दे। इसके बाद क्या है, ना, तो इसको हम क्या पढ़ें, दे, ना, तो यहाँ हम लिखेंगे दिन। इसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ें, हप लगे तो ही सा ब, तो यहाँ लिखेंगे हम ही सा ब। और इसको हम क्या पढ़ें, ते, ते, तो यहाँ लिखेंगे हम तित। तो दोस्तों, इस प्रकार हम छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो जो हमारी बड़ी की मात्रा होती है वो इस प्रकार की होती है, अगर यहाँ इस प्रकार की मात्रा लगी होती है तो किसकी मात्रा होती है, वो बड़ी की मात्रा होती है। तो दोस्तों, बड़ी की मात्रा को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसे स पे बड़ी की मात्रा लगी तो स को हम क्या पढ़ें, सी। इसकी ध्वनि हम लंबा करते हैं, जीभ को दबा करके पढ़ते हैं, लेकिन इसकी ध्वनि को हम क्या करते हैं, लंबा पढ़ते हैं। जैसे क पर लगे तो की, न पर लगे तो नी। तो इसमें हम देखेंगे यह क्या लिखा है, तो क, क, ये क्या है, अड़ा, लेकिन इस पर किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें, अड़ी। तो इसको हम क्या पढ़ें, क, क, अड़ी, तो यहाँ हम लिखेंगे ककड़ी। इसको भी देखेंगे क्या लिखा है, तो यहाँ क्या है, म, ये क्या है, छ, ये क्या है, ल, लेकिन ल पे मात्रा किसकी है, बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें, ली। इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, म, छ, ली।
तो यहाँ हम लेके आएंगे मछली। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे चार खपा लगे तो खी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे चरखी। ये क्या लिखा है तो एक है ब, एक है क। र पे किसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे री। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे पूरे शब्द को बकरी, तो यहां लिखेंगे हम बकरी। तो इसी प्रकार हम इस शब्द को देखेंगे तो यहाँ क्या है सीधी वाला स, लेकिन इसमें मात्रा किसकी छोटी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे सी। इसके बाद यहाँ क्या है क, लेकिन क पर किसकी मात्रा है बड़ा की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे का। इसके बाद क्या है र, लेकिन र पर किसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें री। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ें शिकारी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे शिकारी। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे यहाँ क्या है ब, लेकिन ब पर किसकी मात्रा है छोटी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ें बे। इसके बाद क्या है ज, इसके बाद क्या है ल, लेकिन ल पर किसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें ली। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे बिजली। तो चलिए दोस्तों अब हम छोटे उ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो इस प्रकार की हमारी छोटे उ की मात्रा होती है, अगर यहाँ इस प्रकार की मात्रा लगी होती है तो किसकी मात्रा है वह छोटे उ की मात्रा है। तो छोटे उ की मात्रा हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे तपा लगी तो तु, कपा लगी तो कु, नपा लगी तो नु। इसकी ध्वनि कैसे लगती है, जैसे पपा लगी तो पो, चपा लगी तो चो। तो इसी प्रकार हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, यहाँ क्या है स, लेकिन स पर किसकी मात्रा है बड़िया की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे सा। इसके बाद क्या है ध, लेकिन ध पे किसकी मात्रा है छोटे उ की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे दो। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे सा धु, तो यहाँ हम लिखेंगे सा धु। इसके बाद यहाँ क्या लिखा है तो इसको भी हम पढ़ेंगे, यहाँ क्या है ध, लेकिन ध पे किसकी मात्रा है छोटी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे दो। इसके बाद क्या है न, लेकिन न पे किसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे नी। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे धू नी, तो यहाँ हम लिखेंगे धूनी धूनी। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है त, तो त पर छोटी की मात्रा लगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे तु। इसके बाद क्या है म, तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे तो म, तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे हम तुम। इसी प्रकार हम इस शब्द को भी पढ़ेंगे, यहाँ क्या है ग पर छोटी की मात्रा लगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे गो। ल पर किसकी मात्रा है बढ़िया की मात्रा, तो ल को हम क्या पढ़ेंगे ला। इसके बाद क्या है ब, तो इसको हम क्या पढ़ें गुलाब, तो यहां लिखेंगे हम गुलाब। इसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ें म, दप छोटी की मात्रा ली तो धुर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे मधुर, तो यहां हम लिखेंगे मधुर। और इसको हम क्या पढ़ें पुजारी, तो यहाँ क्या लिखेंगे पुजारी। पुजारी। तो दोस्तों इस प्रकार हम छोटे उ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बड़े उ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की हमारी बड़े उ की मात्रा होती है, अगर कहीं इस प्रकार की मात्रा लगी होती है तो हमारी किसकी मात्रा होती है, वो हमारे बड़े उ की मात्रा होती है। तो बड़े उ की मात्रा को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे क पर लगी तो कू, इसकी ध्वनि को हम लंबा करते हैं, जैसे स पर लगी तो सू, जैसे न पर लगी तो नू, जैसे द पर लगी तो दू। इसी प्रकार हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है स, लेकिन स पर किसकी मात्रा लगी बड़े उ की मात्रा लगी, तो स को हम क्या पढ़ें सू। इसके बाद क्या है रज, तो इसको हम क्या पढ़ें सूरज, तो यहाँ हम लिखेंगे सूरज। इसी प्रकार हम इन शब्दों को भी पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या है बड़ा वाला आ, तो इसको हम क्या पढ़ें आ। इसके बाद क्या है ल,
लेकिन ल पे बड़ियों की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें, लू। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ें, आ लू। तो यहां लिखेंगे हम आलू। तो बड़ियों की मात्रा की ध्वनि कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है, आलू। इसमें देखेंगे इसकी ध्वनि कैसी है, आल लप लंबी, आ लू। इसी प्रकार हम इसको भी पढ़ेंगे तो यह क्या है, च। लेकिन च पर किसकी मात्रा है, बड़ियों की मात्रा है, तो च को हम क्या पढ़ें, चू। इसके बाद क्या, र। तो इसको हम क्या पढ़ें, चू र। तो यहां लिखेंगे हम चूरण। और इसको हम क्या पढ़ें, खजूर। तो यहां हम लिखेंगे खजूर। तो दोस्तों इस प्रकार के हम शब्दों को पढ़ते हैं अगर हमारी बड़ियों की मात्रा लगी होती है तब। चलिए दोस्तों अब हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो इस प्रकार की हमारी एक ही मात्रा होती है, तो एक ही मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे न प लगे तो ने, म प लगे तो मे, और द प लगे तो दे। तो इसी प्रकार हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखें क है, लेकिन क पे मात्रा किसकी है, एक ही, तो इसको हम क्या पढ़ें, के। इसके बाद क्या है, ल। ल पे मात्रा किसकी है, एक ही, तो इसको हम क्या पढ़ें, ले। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ें, के ले। तो यहाँ हम लिखेंगे केले। इसी प्रकार हम इसको भी पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, ज। इसके बाद क्या है, ल। ल पे किसकी मात्रा है, एक ही, तो इसको हम क्या पढ़ें, ले। इसके बाद क्या है, ब। लेकिन ब पे किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ें, बी। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, जलेबी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जलेबी। इसी प्रकार हम इस शब्द को पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, म। लेकिन म पे मात्रा किसकी है, एक ही मात्रा, तो म को हम क्या पढ़ेंगे, मे। इसके बाद क्या है, ल। तो ल पे बढ़िया की मात्रा है, तो ल को हम क्या पढ़ें, ला। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ें, मेला। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मेला। यहाँ क्या है, क। लेकिन क पे मात्रा किसकी है, एक ही मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ें, के। ये क्या है, वट। तो इसको हम क्या पढ़ें, के वट, के वट। यहाँ क्या है, द। लेकिन द पे मात्रा किसकी है, एक ही, तो इसको हम क्या पढ़ें, दे। इसके बाद क्या हुआ, तो युवा को हम हुआ पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, त। लेकिन त पे मात्रा किसकी है, बड़ा की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ें, ता। तो इसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ें, दे व ता। यहाँ हम लिखेंगे दे व ता। ब पे एक ही मात्रा ली, तो क्या पढ़ें, इसको बे। इसके ऐसा एक है न, तो इसको हम क्या पढ़ें, बेसन। यहाँ लिखेंगे बेसन। और इसको हम क्या पढ़ें, ग। अड़ा पा लगे तो अड़ेस, तो इसको हम पढ़ें, गणेश। तो दोस्तों इस प्रकार में, अरे यार, तो दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो इस प्रकार की मात्रा हमारी अई की मात्रा होती है, और अई की मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे सप लगे तो सई, कप लगे तो कई, न प लगे तो नई। तो इस प्रकार हम अई की मात्रा को पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, स। लेकिन सप मात्रा किसी की, अई की, तो इसको हम क्या पढ़ें, सई। यहाँ क्या है, न। न पे किसकी मात्रा, छोटी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ें, नि। ये क्या है, का, तो इसको हम क्या पढ़ें, सैनिक। तो यहाँ लिखेंगे हम सैनिक, सैनिक। यहाँ क्या है, स। लेकिन सब मात्रा किसकी है, आई की, तो इसको हम क्या पढ़ें, से। इसके बाद क्या है, र, तो इसको हम क्या पढ़ें, शेर, शेर। यहाँ क्या है, त। लेकिन त पर मात्रा किसी की आएगी, तो इसको हम क्या पढ़ें, ते। इसके बाद क्या, र। इसके बाद क्या, ना। लेकिन इस पर मात्रा किसकी है, बढ़िया की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ें, तैरना। तो यहाँ लिखेंगे हम तैरना, तैरना।
और इसको हम क्या पढ़ेंगे, दैनिक चलिए दोस्तों अब हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो ओ की मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे क पलगे तो को, न पलगे तो नो, द पलगे तो दो, ब पलगे तो बो, तो इस प्रकार हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है ब, लेकिन ब मात्रा किसकी है, ओ की, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बो। इसके बाद क्या त ल, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बो त ल, तो यहाँ हम लिखेंगे बो त ल। यहाँ क्या है ट, लेकिन ट पर मात्रा किसकी है, ओ की, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे टो। ये क्या है क, रब है बड़ी की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे री। इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे टोकरी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे टोकरी। इसमें देखेंगे यहाँ क्या है भा, लेकिन भा पर मात्रा किसकी है, ओ की, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे भो। इसके बाद क्या है ज न, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे भो ज न। यहाँ क्या का, लेकिन का पर मात्रा किसी होगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे को। इसके बाद क्या है एल, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे को एल। और इसको हम क्या पढ़ेंगे मोटर। लपो की मात्रा तो लो, म लप की मात्रा तो री, इसको हम क्या पढ़ेंगे लोमड़ी, तो यहाँ हम लिखेंगे लोमड़ी। तो चलिए दोस्तों अब हम औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो इस प्रकार की हमारी औ की मात्रा होती है, तो औ की मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे स पलगे तो सऊ, क पलगे तो कऊ, न पलगे तो नऊ, तो यहाँ क्या है आ, लेकिन अप मात्रा क्या की है, औ की, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे औ, तो इसको हम पढ़ेंगे औरत, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे औरत। ये हमारा औ है, ये हमारा क्या है र, ये क्या है त, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे औरत। यहाँ क्या है ना, लेकिन ना पर मात्रा किसकी औ की, तो इसको हम क्या पढ़े नौ। ये क्या है का, का पर किसकी मात्रा है, बड़े की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़े का। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़े नौ का। तो यहाँ क्या है माँ, माँ पर किसकी मात्रा है औ की। इसके बाद क्या सा, सा पर मात्रा किसकी है, बड़ी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़े मौ सी। इसको हम क्या पढ़े अ जा र। यहाँ क्या है ख, लेकिन इस पर मात्रा किसकी है, छोटी की, तो इसको हम क्या पढ़े खे। इसके बाद क्या है ल, ल पर मात्रा किसकी है औ की, तो इसको हम क्या पढ़े लो। इसके बाद क्या है न, न पर मात्रा किसकी है, बढ़िया की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे ना। तो इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ेंगे खे लो ना, तो यहाँ हम लिखेंगे खिलौना खिलौना। तो दोस्तों इस प्रकार हम औ की मात्रा के वाले शब्दों को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, अंक की मात्रा वाले शब्दों को हम नाक के वर्ग पर पढ़ते हैं, जैसे क पलगे तो कंग, न पलगे तो नंग, म पलगे तो मंग, इसी प्रकार हम इनको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्या ल, लेकिन ल पे अंक की बिंदी लगी है, तो इसको हम क्या पढ़े लंग। यहाँ क्या ग, ग पे किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे गु। इसके बाद क्या र, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे लंगूर, तो यहाँ हम लिखेंगे लंगूर। यहाँ क्या है अंगूर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे अंग, अंग की नाक के बराबर पढ़ेंगे अंगूर। यहाँ क्या है ज, लेकिन ज पर मात्रा किसी अंग की, तो इसको क्या पढ़ेंगे जंग। ये क्या है गल, तो इसको इस पूरे शब्द को हम क्या पढ़ें जंगल जंगल। चलिए दोस्तों अब हम ग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो ग की मात्रा के शब्दों को हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे द पलगे तो दह, क पलगे तो कह,
तप अलग से तह, तो इसी प्रकार हम इनको पढ़ेंगे। यहाँ क्या है द, लेकिन द पे किसकी मात्रा है, छोटे यू की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ें तु। ये क्या है ख, क पे किसकी मात्रा है घ की, तो इसको हम क्या पढ़ें ख। तो इस पूरी शब्द को हम क्या पढ़ेंगे दुख। इसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ें सुख, और इसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ें प्राप्त। तो इसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ेंगे प्राप्त, तो यहां लिखेंगे हम प्राप्त। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।